सरकार का कर्तव्य होता है कि कानून को कायम रखें, कानून व्यवस्था को कायम रखें। आपने उन्नाव में देखा है, उन्नाव में पिछले 11 महीनों में तकरीबन 90 बलात्कार हुए। जब ये पिछला हादसा हुआ उन्नाव का, क्या स्थिति थी? सरकार ने अपराधियों की सुरक्षा की अंत तक, जब तक उस महिला का पूरा परिवार तब तक। आप सोच सकती हैं कि एक महिला के लिए इन परिस्थितियों में कितना मुश्किल होगा और कितना धैर्य होगा उनमें कि वो लड़ाई लड़ रही है। उन्नाव के बाद आपने मैनपुरी में देखा, संभल में देखा, अब उन्नाव में दोबारा एक हादसा हुआ और वो लड़की भी इतने धैर्य से लड़ी है, इतनी हिम्मत से लड़ी है। किस तरह से महिलाएं विश्वास रखें सरकार और मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा एक्शन ले रहे हैं? जिम्मेदारी लें, ये पहचाने कि एक तरह से ये इस प्रदेश के लिए, जहाँ पे महिलाओं पर जो अपराध हो रहा है वह नंबर एक पे है पूरे देश में, एक तरह से एक इमरजेंसी सिचुएशन के तौर पर लेना चाहिए। और एक मेरा सुझाव है उनके लिए कि अपने ऑफिस में एक ऐसा सेल बनाए जहाँ पे हर एसपी को, हर डिस्ट्रिक्ट के एसपी को वो नंबर दिया जाए कि जब एक महिला की कंप्लेंट आती है तो डायरेक्टली मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में उसकी इतला करें और 24 घंटे के अंदर अंदर वो FIR दर्ज हो, 24 घंटे के अंदर अंदर उस लड़की को सुरक्षा मिले। आप सुरक्षा दे रहे हैं अपराधियों को, तो ये राजनीतिक मामला नहीं है, ये महिलाओं की सुरक्षा का मामला है और इसको पूरी संजीदगी से लेना चाहिए। मैम, हैदराबाद की घटना को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आज जो चारों का एनकाउंटर हुआ, कुछ लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। देखिए, मैंने स्पष्ट कहा कि सरकारों का कर्तव्य ये होता है कि कानून व्यवस्था को लागू करें। अभी मुझे डिटेल्स नहीं मालूम कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसलिए उस पर टिप्पणी करना गलत होगा। आज जो बैठक हुई है, क्या एसपी को हटाया था, डीएम को हटाया था, क्या मुख्यमंत्री जी को पहले नहीं पता लग पाता इन सब चीजों के बारे में? पता लगता होगा, पता नहीं क्यों कार्रवाई नहीं करते। प्रियंका जी, क्या प्रदेश में ये स्थिति है कि महिला को अपने घर से निकलते हुए असुरक्षित अपने आप को वो समझती है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इस उन्नाव के केस में भी 4 महीने लगे FIR दर्ज करने में और FIR तभी दर्ज हुआ जब न्यायालय ने कहा कि दर्ज कराइए। प्रियंका जी, तो सरकार को ये निर्णय लेना पड़ेगा, महिलाओं के पक्ष में है वो या अपराधियों के पास। आज जो बैठक हुई, निर्णय लेना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। भाई, जो आज बैठक हुई है, क्या रणनीति बनाई गई है, क्या कांग्रेस इसको लेकर सड़क पर उतरेगी? सड़क पर उतरेगी तो मैं रणनीति को लेकर कैसे, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सड़क पर उतरेगी कांग्रेस? बिल्कुल, हम पूरी तरह से महिलाओं के लिए लड़ेंगे और मैं तो कहती हूँ कि समाज में महिलाओं को सत्ता मिलनी चाहिए। अपनी बहनों से कहती हूँ, आप सत्ता छीनिए पुरुषों से, पंचायत के चुनाव लड़िए, विधानसभा के चुनाव लड़िए, आगे बढ़िए, राजनीति में आइए, ताकि आपके हाथों में सत्ता है, ताकि इस तरह के जब हादसे हों तो आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर पाए। कानून बहुत स्पष्ट है, कानून में निर्भय कांड के बाद कानून बहुत स्पष्ट बन गया था, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के उसमें वो प्रोविजन्स थे, तमाम प्रोविजन्स थे, उसको लागू करना है। अब अगर एक प्रदेश में ये स्थिति आप बनाएंगे कि किसी महिला के साथ इतना अत्याचार हो रहा है और आप FIR नहीं दर्ज करेंगे 4 महीनों के लिए, आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जो अपराधी है वो 2 महीने में उसको आप बेल पे छोड़ देंगे, तो आप कानून व्यवस्था को लागू नहीं कर रहे हैं ना। अगर आप उसी कानून को लागू करें तब ये कम होगा।